हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिग्मा एजुकेशन। तो ये हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर सेकंड है जो पॉलीनोमियल क्लास नाइन्थ का जो मैथमेटिक्स है उसका, ठीक है। तो हम जो है इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन में थोड़ा जो है ज़्यादा टाइम लेंगे क्योंकि जितने भी इससे कॉन्सेप्ट रिलेटेड है वो सब आपको पता होने चाहिए, है ना। तो एक्सरसाइज पर जो है बाद में बात करेंगे। तो कॉन्सेप्ट पर हमारा ज़्यादा ध्यान रहेगा, तो कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। जितना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इतना जो क्वेश्चन आसानी से बनते चले जाएंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं किसकी, दो टर्म है, एक कॉन्स्टेंट है ना, एक कॉन्स्टेंट और वेरिएबल। इन दोनों टर्म से जो है आप लोग फैमिलियर होना चाहिए, है ना। कॉन्स्टेंट किसे कहते हैं और वेरिएबल किसे कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में भी इसको बोलते हैं क्या, अचर, ठीक है, अचर इसको बोलते हैं, चर, ठीक है। कॉन्स्टेंट क्या होती है, किसी भी सिचुएशन में जो है उसकी वैल्यू जो है सेम रहे, चेंज नहीं हो, तो उसको हम बोलेंगे क्या, अचर। जैसे हमारे पास अगर हम लेते हैं नंबर, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं नंबर, जैसे 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये नंबर जो है किसी भी सिचुएशन में जाएंगे तो है सेम ही रहेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बदलती नहीं है, है ना। इंग्लिश लिखना चाहे आप लोग नोट कर सकते हो, वैल्यू या फिर मान, मान मान बदलता नहीं है, ठीक है। इसमें जो है मान बदलता रहता है, बदलता रहता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें ताप की, टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर जो है घटता है बढ़ता है, वो क्या एक तरह से वेरिएबल है। और जो है और नंबर जो है 1 है 2 है 3 है, वो जो है कॉन्स्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन की बात आ रही है, नोटेशन की बात आ रही है, कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा इसमें क्या, ए बी सी डी एंड सो ऑन। इस तरह से जो है इस चैप्टर में आपको जो है कॉन्स्टेंट जो है इन टर्म में लिखा मिलेगा, ए बी सी डी और भी हो सकता है, है ना। और जो वेरिएबल मिलेगा वो मिलेगा कितना, एक्स में मिल जाएगा, वाई में, जेड में, टी में, यू में, डब्ल्यू में, एस में, ठीक है, यू। तो ये जो है एक तरह से नोटेशन है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएबल को और कॉन्स्टेंट को। तो इससे आप कन्फ्यूज नहीं होना है, है। तो वहाँ पे लिखा भी रहेगा ए बी सी डी क्या है, ये कॉन्स्टेंट है, या फिर इसमें लिखा रहेगा कोफिशेंट, कोफिशेंट भी आएगा इसमें, वो हम बात की बात करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों टर्म जो है आपको बिल्कुल जो है क्लियर होने चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो उसको साथ के साथ नोट करते हुए चलें, है। तो इसको हिंदी में कहते हैं बीजीय व्यंजक, क्या कहते हैं हिंदी में, बीजीय व्यंजक, ठीक है। ये क्या होता है, ठीक है, इसमें देखिए पहले मैं डेफिनेशन बता देता हूँ, उसके बाद जो है एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे। कॉन्स्टेंट है कोई, ठीक है, कॉन्स्टेंट है कोई, मल्टीप्लाई में क्या, वेरिएबल, वेरिएबल, वेरिएबल की पावर क्या है, वेरिएबल की पावर जो होगा यहां क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर। तो आपको जो है ये जो इसकी डेफिनेशन है किसकी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। रेशनल नंबर आप लोग जानते हैं क्या होती है, रेशनल नंबर मैं बात कर चुका हूं पीछे वाली क्लासों में, क्या जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, पी एंड क्यू क्या है, पूर्णांक या इंटीजर है, ठीक है। यह है इसकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो डेफिनेशन है, जिसको हम जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हिंदी में बात करते हैं तो हम लोग क्या आ जाएगा, अचर, अचर पद, मल्टीप्लाई में क्या, चर, चर की पावर क्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो नंबर सिस्टम जो है आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या पूर्णांक, है ना। ये है जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं 2, ठीक है, मल्टीप्लाई में एक्स, ठीक है, एक्स की पावर 4, 4 क्या एक परिमेय संख्या है, तो ये क्या मिलेगा हमें, 2x की पावर 4, ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ए ई से मैं जो डिनोट करूं तो क्या है, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। यहां पर लिखने देता हूं मैं ए ई, ए मतलब क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। देखिए और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 2 मल्टीप्लाई में 2 क्या है, कॉन्स्टेंट, x की पावर माइनस का 1/2,
तो ये क्या हो जाएगा 2x की पावर माइनस 1/2, ये भी क्या एक तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। और बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, 3/2 मल्टीप्लाई में एक्स की पावर माइनस 9, तो ये हो जाएगा 3/2 एक्स की पावर माइनस 9, ये भी क्या है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब देखिए ये एक्सप्रेशन जो है आपको क्लियर हो गया। अब बात ये होती है, अगर दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग जोड़ते हैं आपस में तो हमें क्या मिलेगा, घटाते हैं तो क्या मिलेगा, अगर उसको डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा, ये भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट आइए, फर्स्ट जो है कोई दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ए ई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्लस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, माइनस में लगाता हूं, यहां पर माइनस हो चाहे प्लस हो तो मुझे क्या मिलेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही मिलेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2x² क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्लस में x की पावर माइनस 3 क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो ये क्या मिलेगा मुझे 2x प्लस x माइनस 3, ये क्या मिलेगा पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दो मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जोड़े, ठीक है, ये क्या मिला हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इस तरह से मैं घटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सेकंड नंबर पर आइए, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उनको मल्टीप्लाई करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से, ठीक है, तो क्या मिलेगा मुझे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे वाली जो एक्सरसाइज है तो थोड़ी इसी पर डिपेंड रहेगी, है ना, अगर हम दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को या बहुपद को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, ठीक है। जैसे 3x² मल्टीप्लाई ऑफ 4x की पावर 3, तो क्या मिला मुझे, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो 4 की 12 है, x क्या दोनों में मल्टीप्लाई में होती है, क्या होती है, ऐड हो जाती है, 5 3 2 5, ये भी क्या है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। थर्ड आइए, अगर मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड करता हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से तो मुझे क्या मिलता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही मिलेगा। कैसे, अगर यहाँ पर हमारा क्या 3x² माइनस का 7x की पावर 3, ये डिवाइड में अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा कितना हो जाएगा 3/7, x की पावर ये ऊपर जाएगी कितना हो जाएगा 2-1, तो कितना मिला 3/7 एक्स की पावर, सॉरी 2-3 है तो x की पावर माइनस 1, ये भी क्या एक तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये हमारा क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये दोनों जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। फोर्थ आइए, अगर मैं लेता हूँ लेट सी बी आ कॉन्स्टेंट, सी क्या है एक कॉन्स्टेंट है, सी जो है एक हमारा क्या है अचर है, ठीक है। अगर मैं किसी कॉन्स्टेंट की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा सी ए ई, हमें क्या मिलेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही मिलेगा, ठीक। कैसे, अगर 2 की मैं गुणा करता हूँ 3x की पावर 5 से तो मुझे क्या मिला, ये तुम्हारा क्या कॉन्स्टेंट, ये क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा 3 × 6x की पावर 5, ये भी क्या है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। सिक्स पर आइए, ठीक है, सिक्स पर क्या है, अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है अगर उसकी कॉन्स्टेंट से मैं उसकी डिवाइड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही मिलेगा। कैसे, जैसे 4x की पावर 5/2, तो कितना हो गया 2 × 4x की पावर 5, ये हम कह सकते हैं 3x² / 4 3/4x², ये सब क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो इसको जो है नोट करिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग जो चैप्टर है हमारा पॉलोनोमियल, पॉलोनोमियल क्या है, अभी जब जो हमने बात करी थी वो बात करी थी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, तो यहाँ पर जो है हम लोग देखेंगे डिफरेंस देखेंगे किसमें, पॉलोनोमियल में और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। तो पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं उसकी, पॉलोनोमियल की होती क्या है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इन विच पावर ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल की पावर है क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, वो कहलाते हैं क्या पॉलीनोमियल। हिंदी में देखिए, ऐसी बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो, इंपॉर्टेंट जो है क्या है पूर्ण संख्या हो, ठीक है, क्या हो, होल नंबर हो, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं बहुपद। देखिए
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या था, क्या थी वहां पर, रेशनल नंबर था, परिमेय संख्या थी। देखिए ध्यान से देख रहे थोड़ा में डिफरेंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई में वेरिएबल, वेरिएबल और कॉन्स्टेंट जो है हम लोग बात कर चुके हैं, ये क्या है, होल नंबर हो, क्या हो, होल नंबर हो, तब क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल। यहां पर क्या है, कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई में वेरिएबल की पावर क्या हो, रेशनल नंबर, क्या है, रेशनल नंबर। ठीक है, ध्यान से देखिए दोनों को, दोनों को नोट करिए, मैं हिंदी में लिखता हूं इसमें, अचर चर की पावर क्या है, पूर्ण संख्या, अचर चर की पावर क्या है, परिमेय संख्या। बहुत बेसिक जो डिफरेंस है, ठीक है, यहां पर जो एकदम क्लियर होना चाहिए डिफरेंस, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में और पॉलीनोमियल में क्या डिफरेंस है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। देखिए कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल पावर का डिफरेंस है, होल नंबर होना चाहिए, वहां रेशनल नंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ, अगर मैं रेशनल नंबर की बात करता हूं, रेशनल नंबर में क्या आ जाएंगे, होल नंबर भी आ जाएंगे, होल नंबर, ठीक है, ठीक है, प्लस में जितने भी नंबर आएंगे इंटीजर। इसका मतलब यह हुआ जितने भी हमारे पास पॉलीनोमियल होंगे वो सब क्या होंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे। बट सारे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलीनोमियल। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं, 2/3 x2, ये क्या है हमारा कॉन्स्टेंट, ये क्या है हमारा वेरिएबल, ये x क्या है हमारा वेरिएबल है, x क्या वेरिएबल और 2 क्या है, 2 जो है क्या है हमारा पूर्ण संख्या है, क्या है 2, होल नंबर है। 2/3 कॉन्स्टेंट, x क्या वेरिएबल, 2 क्या है होल नंबर है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, ये एक तरह से क्या है, पॉलीनोमियल भी है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। ठीक है, अगर मैं इसकी पावर कर देता हूं 3 की पावर x-1, माइनस वन जो है क्या है, होल नंबर नहीं है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है बट नॉट क्या है, पॉलीनोमियल ये नहीं है, पॉलीनोमियल ये नहीं है, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए एकदम। ठीक है, अब देखो इसकी हम बात करते हैं, इसमें जो है अगर मैं लेता हूं, ये भी इसमें आ जाएगा, अगर 2/3 की बात करेंगे x2, ये क्या है, एक तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर मैं करता हूं 4x-9, ये भी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं 4x1/2, ये भी क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सबकी पावर देख लो, सबकी पावर देख लो, परिमेय है, रेशनल नंबर है, यहां पर पावर देख लो। अगर और भी एग्जांपल लेंगे, 2x4 है ना, 5x3, ये सब क्या है, होल नंबर है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 5x0 भी क्या है, होल नंबर है, ये सब क्या है, पॉलीनोमियल है। ठीक है, तो यहां से देखिए कंक्लूजन क्या निकल के आता है, कंक्लूजन निकल के आता है, ठीक है, ऑल पॉलीनोमियल आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, बट ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर Not a polynomial। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए एकदम, हिंदी में लिखना चाहे तो लिख सकते हो। सभी जो है हमारे पास, सभी बहुपद जो है क्या है, बीजीय व्यंजक होते हैं, लेकिन सारे सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इसके जो है पॉइंट है वो आपको याद रख लें, पॉलीनोमियल से रिलेटेड, पीओ जो स्टैंड फॉर पॉलीनोमियल बहुपद, अगर हम दो बहुपद जो है, दो पॉलीनोमियल को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पॉलीनोमियल मिलेगा, है ना। दो पॉलीनोमियल को हम लोग घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, पॉलीनोमियल मिलेगा। दो पॉलीनोमियल को जब हम गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पॉलीनोमियल मिलेगा। अगर पॉलीनोमियल को हम लोग डिवाइड करते हैं पॉलीनोमियल से तो क्या मिलेगा, पॉलीनोमियल मिलेगा। कब, व्हेन, कब मिलेगा,
अगर हम यहां पर बात करते हैं, यह है डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ले लेते हैं डी वन, नीचे वाला जो होगा वो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ले लेते हैं डी टू, ठीक है। कब मिलेगा पॉलिनोमियल, जब डी वन जो है डी टू से बड़ा होगा, जब डिग्री जो है जो हमारा तुम्हारा जो अंश है न्यूमरेटर की जो डिग्री होगी वो बड़ी होगी इससे। कैसे देखिए, अगर हमारे पास है टू एक्स स्क्वायर अपॉन में टू एक्स थ्री, यहाँ पर जो है डिग्री जो है न्यूमरेटर की क्या है अंश की छोटी है, तो मुझे क्या मिलेगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, एक्स की पावर माइनस वन मिलेगा क्योंकि ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस वन जो है ये क्या है, होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है, इसलिए जो क्या है ये नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है, ये जो है हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। तो अगर ये होता, सपोज करो ये होता टू एक्स की पावर थ्री अपॉन में टू एक्स की पावर टू, यहां पे जो है डिग्री जो है न्यूमरेटर की जो है डिग्री बड़ी है, तो मुझे मिलेगा एक्स, ये क्या है, ये हमारा पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहां पे डिग्री जो वन आएगी ये क्या है, होल नंबर है, होल नंबर है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इसमें, अगर हम डिवाइड करेंगे तो पॉलिनोमियल मिलेगा, बट कब, जब डिग्री न्यूमरेटर की जो होगी, पॉलिनोमियल का जो न्यूमरेटर है उसकी जो डिग्री होगी ग्रेटर देन क्या होगी, डिनोमिनेटर से होगी, ठीक है। तो यहां पर जो है एक पॉइंट और याद रखना, फोर फोर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के लिए ऑल टर्म्स, टर्म्स कहते हैं जो पद होते हैं, ऑल टर्म्स क्या पद, जितने भी पद होंगे उसमें should be polynomial, ठीक है। जैसे 2x square प्लस का 3x प्लस का 5, इसको ऑब्जर्व करिए, ये जो है हमारे पास ये क्या है polynomial, ये भी क्या है polynomial, तो ये भी क्या है हमारे पास, ये भी जो है polynomial है, तो ये सब पूरा क्या दे रहा है मिलकर, ये भी एक polynomial दे रहा है ना। तो ये जा रहे पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल की जो कंडीशन क्या है, सारी टर्म जो है वो भी पॉलिनोमियल होनी चाहिए, ठीक है। एक मैं एग्जांपल और लेता हूँ, इसमें क्लियर होगा, और जैसा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, 5x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का कितना है 3, ठीक है। अब देखिए ये भी क्या है पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, तो ये पूरा क्या है ट्रस है, ये पूरा जो है पॉलिनोमियल है। अगर मैं 5x उठाता हूं, यहां पर क्या क्या है, ये तुम्हारा क्या है कॉन्स्टेंट है, ठीक है, ये क्या है तुम्हारा x क्या है हमारे पास वेरिएबल है, ठीक है, जिसको हम चर बोलते हैं और इसको अचर बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। यहां पर देखो इसको जो है क्या पढ़ा जाएगा, यहां भी ये पढ़ा जाएगा 5 क्या है, 5 इज कोफिशियंट, यहां पर कोफिशियंट में कौन से आ रहा, ध्यान रखना 5 इज कोफिशियंट, कोफिशियंट ऑफ किसका, एक्स स्क्वायर का, इसमें बात करेंगे 4 इज कोफिशियंट ऑफ किसका, एक्स का, 3 जो है हम इसको क्या लिख सकते हैं 0, तो 3 क्या है, 3 इज अ कॉन्स्टेंट, हम कह सकते हैं ये टर्म कॉन्स्टेंट होती है, 3 इज अ कॉन्स्टेंट या कोफिशियंट ऑफ एक्स 0 का, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमें करना है, कोफिशियंट को जो हिंदी में कहते हैं गुणांक कहते हैं, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो 5, ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर का गुणांक 5 है, ऐसी एक्स का जो गुणांक है 4 है, तो आपको जो है चीजें क्लियर होनी चाहिए, गुणांक ना कोफिशियंट वेरिएबल, कौन बात करते हैं हम लोग कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल की और जीरो पॉलिनोमियल की, ठीक है। कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल की बात करते हैं, ये क्या है हमारे पास कॉन्स्टेंट कोई पॉलिनोमियल है, तो इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, 5x की पावर 0, ठीक है, 5x की पावर 0, ठीक है। यहाँ देखिए ये क्या है हमारे पास अचर है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल की पावर क्या है, होल नंबर, ठीक है, ये क्या है एक तरह से अचर बहुपद, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल जो होगा, जीरो पॉलिनोमियल क्या हो सकता है, जीरो, जीरो अपॉन में एक्स की पावर
होल नंबर, ठीक है भाई, कुछ भी हो सकता है। देखिए जीरो एक्स पावर वन, जीरो एक्स पावर टू, जीरो एक्स पावर थ्री, है ना, एंड ऑन इनफाइनाइट हो सकते हैं, है ना। लेकिन कांस्टेंट जो है इसका जो एक ही हमारे पास होगा, एक यूनिक होगा जो हमारा नंबर होगा, वही क्या कांस्टेंट पॉलीनोमियल है। इसका जो है क्या है, बहुत सारे इसके बन सकते हैं जीरो के, ठीक है, कांस्टेंट पॉलीनोमियल। तो यहाँ पर एक चीज़ और है, एनीथिंग कुछ भी नंबर होगा उसकी पावर जीरो होगी तो वो क्या मिलेगा हमें, वो जो देगा हमें वन देगा, ठीक है। तो ये भी क्या सेम है जैसे कांस्टेंट पॉलीनोमियल का, बट थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है, तो इसको नोट करिए फिर आगे बढ़।